बालों के बारे में एक शख्स का सवाल है कि आजकल के नौजवान लोग जो बाले रखते हैं, कोई हनी सिंह का कटिंग है तो कोई किसी और सिंह का कटिंग है, तो कोई कहीं से इधर से गंजा किया हुआ है, इधर से बाल बढ़ाए हुए हैं। तो एक्चुअली वो जानना चाह रहा है कि सुन्नत क्या है। तो इस सुन्नतों को आज डिस्कशन करते हैं आज के सेशन में, और मेरे भी ध्यान में था इन सारी चीज़ों को डिस्कशन करना। अच्छा वो आपने सवाल किया, उनको देखते हैं आपकी स्क्रीन पर ये सारी चीज़ें चल रही है। बालों की सुन्नतें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बालों के बारे में पहली रवायत ये है कि बालों की लंबाई कानों के दरमियान तक थी, ठीक है। दूसरी रवायत ये है कि कानों की लो तक, यहाँ तक, ये लो जो है यहाँ तक। तीसरी रवायत के मुताबिक कंधों के करीब तक थी। लिहाजा तीनों तरीके दुरुस्त है, हनी सिंह वाला कहीं नहीं आया यहाँ पर। और ये मत सोचना कि हनी सिंह वाला करेंगे तो हमें सुन्नत मिलेगा, करना इन्हीं को है जो हमारे नबी ने किया। सुन्नत तभी मिलेगा, नेकी तभी मिलेगा, सुन्नतों पर तभी फॉलो होगा। अगली सुन्नत क्या है कि पूरे सर के बाल रखना निस्फ कानों तक या कानों की लौ तक या उससे कुछ नीचे तक सुन्नत है। ये जो पॉइंट्स है ये सुन्नत है। और पूरा सर मुंडवाना भी सुन्नत है, कोई टकला हो गया, गंजा हो गया, वो भी सुन्नत है। और अगर कतरवाना चाहे तो तमाम सर के बाल हर तरफ से बराबर कतरवाना चाहिए। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है ना आप लोगों के लिए, गंजा तो हो नहीं सकते, कोचिंग कैसे जाओगे, लड़कियां भी है ना वहाँ पर, तो दिखा नहीं सकते गंजा होके। हाँ तो कैसे जाना है कि आप सर के सारे बाल बराबर रखवाना भी, कतरवाना भी जायज़ है, लेकिन आगे की तरफ से बड़े रखना और गर्दन की तरफ से छोटे रखना, जिसको अंग्रेजी बाल कहते हैं, जायज़ नहीं। इस तरह सर का कुछ हिस्सा मुंडवाना और कुछ हिस्सा छोड़ देना भी जायज़ नहीं, हनी सिंह वाला जायज़ नहीं है। कान खोल कर सुन लो, अल्लाह पाक हर मुसलमान को उससे बचाए, आमीन। तो ये सारी चीज़ें थी जो सुन्नतों पर हम लोग देख रहे थे कि क्या है आगे क्या है कि दाढ़ी को बढ़ाने और मूछों को साफ करने के मुताबिक अक्सर हदीस में है, ये है कि दाढ़ी मुंडवाना या एक मुश्त से कम कतरवाना हराम है। एक मुश्त ये हुआ आपका, ऐसे ऐसे करोगे इसके नीचे वाले बाल को कतरवाना, इससे कम बाल रखना हराम है, ठीक है। अल्लाह पाक हर मुसलमान को इससे महफूज रखे, आमीन। एक मुश्त दाढ़ी रखना वाजिब है और ये मतलब अहादीस से भी साबित है। अगला पॉइंट है कि लंबी लंबी मूछों पर अहादीस में वाइदे आई हुई है, बारीक कराना सुन्नत है। कई लोग क्या बोलते हैं, इससे करते हैं, ब्लेड से करते हैं, पत्ती से ब्लेड से करते हैं उसको, तो साफ नहीं कतरवाना, बारीक बारीक कैंची से काटना सुन्नत है। जेरे नाप, जेरे बगल और मूछों के बाल वगैरह दूर करके साफ सुथरा रहना चाहिए। अगर 40 दिन गुजर जाएंगे तो गुनाहगार होगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगला तरीका, अगली सुन्नत ये है कि दाढ़ी के बालों को दिन में 2 मरतबा बवक्त सुबह, बेहतर है तहज्जुद के वक्त, और बवक्त जहर धोना और कंघा करना मसनून है। और सर के बालों को दिन में 1 मरतबा, सोचो दाढ़ी के बालों को 2 मरतबा कंघा करने के लिए बोला गया, और सर के बालों को 1 बार। अब ऐसे नहीं दाढ़ी बढ़ रही है, जुएं लग रहा है, गंदी हो रही है, लोग घिन करेंगे ना इससे, लोग नफरत करेंगे, दाढ़ी वाले गंदे रहते हैं, दाढ़ी ये लग रहा है, वो लग रहा है, कोई रखना नहीं चाहेगा, कोई फॉलो नहीं करना चाहेगा। तो इन सारी चीजों पर हमें अमल करना चाहिए। अगली सुन्नत ये, कंघा करें पहले दाएं तरफ से शुरू करें, बुखारी की हदीस से ये। अगला सुन्नत ये है कि कंघा करते वक्त या हसबे जरूरत आईना देखते वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाहुम्मा अंता हसनता खल्की फहसन खुल्की। तर्जमा क्या है, या अल्लाह जिस तरह आपने मेरी सूरत हसीन बनाई है इसी तरह मेरे अखलाक भी अच्छा कर दीजिए। तो ये सारी सुन्नतें थी जिन पर बालों की, इन पर हम लोगों को नॉलेज रहना, इल्म रहना ज़रूरी है, और दुआ करें कि हम लोग इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाएं और इनको अपने नबी की जो तरीक़े सुन्नत है जो भी है इनकी ज़िंदगी के जैसे जैसे आदाब वगैरह उन सबको अपनी ज़िंदगी में लाने की तौफीक अता फरमाएं। सलाम।